आप सब एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिलीशियस फूड रेसिपीज। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी इजी और क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की मेरी रेसिपी समर स्पेशल है। तो आज की मेरी रेसिपी एक लस्सी की है। तो आज मैं आप सबको स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाने के लिए पहले हमें जो चाहिए वो है दही। यहाँ पे मैंने गाढ़ी दही ली हुई है एक बाउल। 7 से 8 हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आइस क्यूब हमें चाहिए 3 से 4। 2 हरी इलायची चाहिए। चीनी हमें चाहिए स्वाद के अनुसार, इसके जगह पे आप हनी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रॉबेरी को हम कट कर लेंगे, तो यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी को कट करके ले लिया है। अब हमें इन सबको ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम ये स्ट्रॉबेरी, साथ में ऐड कर देंगे ये दही, इलायची, इलायची के छिलके को हटा देंगे और इसके बीज को इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। साथ में ऐड कर देंगे हम शुगर। अब हमें इन सबको ग्राइंड कर लेना है, तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सुपर टेस्टी हमारी स्ट्रॉबेरी लस्सी बनकर के तैयार है। अब इसे ग्लास में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे स्ट्रॉबेरी से ही। तो लीजिए दोस्तों हमारा कुछ ही मिनटों में ये स्ट्रॉबेरी लस्सी बनकर के तैयार है। आप इस लस्सी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और आपकी लस्सी कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ आप सबको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या सजेशन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप इसे जब भी सर्व करें तो ठंडा ठंडा सर्व करें, इसे बच्चे बहुत पसंद से पीते हैं। तो आप इसे घर पर जरूर बनाएं। जल्द ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।